नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट एपिक स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है केवल 1499 में। तो प्राइस के हिसाब से जो फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं काफी बढ़िया है। बात करते हैं इसके मेन स्पेक्स की, तो इसमें है 1.69 इंच का फुल टच डिस्प्ले 240x280 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ, 120 स्पोर्ट्स मोड है, स्मार्ट नोटिफिकेशन, SPO2 एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, इसके अलावा ये है IP68, मतलब कि आप पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें दिए गए हैं 2 इनबिल्ट गेम्स। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप, हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो ये है वो चीजें जो आपको मिलती है इस बॉक्स के अंदर, यूजर मैनुअल, वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड, वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है यहां पे बताया गया है, आपको इस वेबसाइट पे जाकर अपनी डिटेल फिलअप करनी है और वारंटी को एक्टिवेट करना है। ये है बोल्ड प्ले ऐप मेंबरशिप वाउचर, गाना प्लस सब्सक्रिप्शन वाउचर और बुक माई शो का वाउचर। इन वाउचर्स को आपको अगर रिडीम करना हुआ तो सबसे पहले आपको इस स्मार्ट वॉच का जो रिव्यू है उसे पोस्ट करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट पे और उसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है फायरबोल्ट को। उसके बाद आप इन वाउचर्स को रिडीम कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद ही आपको मिलेगा कूपन कोड और कूपन कोड के जरिए फिर आप इन्हें रिडीम कर पाओगे। ये है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो चार्जिंग करने के लिए आपको इस तरीके से अटैच करना है, ये अटैच हो जाता है मैग्नेटिकली और इसे चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे, आपको मिलेगा 7 दिन का बैटरी बैकअप। आप चार्जिंग करने के लिए 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो, जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में, या फिर आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। बात करते हैं इसके फिजिकल और की, तो बॉडी जो इसकी प्लास्टिक की है लेकिन बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, स्टडी है, इसके अलावा काफी लाइट फील होती है। राइट साइड में दी गई है एक बटन, राउंड बटन, और उसके आजू बाजू में जो थोड़ा पोर्शन है एलिवेट किया गया है। ये जो स्ट्रैप्स है सिलिकॉन के हैं, 20mm के, काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, और यहां पे दिए गए हैं 2 स्ट्रैप्स होल्डर और मेटालिक बकल। बैक में है 2-पिन चार्जिंग स्लॉट, इसके अलावा SPO2 हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर सेंसर। आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और इसे बाहर करना है, इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे वाले होल में पिन को अलाइन करना है और फिर इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और होल में अलाइन करना है ऊपर में, इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। इसे फर्स्ट टाइम स्विच ऑन करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि फर्स्ट टाइम से ही आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, अब मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो उसके लिए आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, जब लोगो दिखाई देगा तब उंगली रिलीज कर देनी है। तो वॉच हमारी स्विच ऑन हो चुकी है, अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। तो फायरबोल्ट एपिक को आपके फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है दा फिट। इसे आपको डाउनलोड कीजिए, आपको फिर इसे करना है ओपन। आपका जेंडर, बर्थडे, डे, मंथ और ईयर आपको सेट करना है, इसके अलावा आपकी हाइट सेंटीमीटर में और आपका वेट केजी में। इसके बाद आपको करना है टिक पे टैप, अलाउ कीजिए और ये जो लिखा हुआ है टू ऐड ऊपर में, इस पर टैप कीजिए। व्हाइल यूजिंग द ऐप अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए। आपको शो करेगा इस वॉच का नाम, यहां पे आपकी वॉच होनी चाहिए स्विच ऑन। वेट करिए 1 मिनट। तो आप ये जो देख रहे हो फायरबोल्ट 045, यही है फायरबोल्ट एपिक, इस पर टैप कीजिए। डिवाइस के टैप पे टैप कीजिए और यहां पे वेट कीजिए, बैटरी परसेंट शो करेगा, मतलब कि आपकी वॉच पेयर हो चुकी है। तो वेट कीजिए, तो बैटरी परसेंट अब शो कर रहा है, मतलब कि आपकी वॉच जो है पेयर हो चुकी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉच फेस के बारे में, किस तरीके से आपको वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई करना है। तो आपको टैप करना है इस पे, आपको मिलेंगे यहां पे बाय डिफॉल्ट 5 वॉच फेसेस। आपको अगर इनमें से किसी को भी सेट करना हुआ तो बस टैप कीजिए, जो वॉच फेस है यहां पे सेट हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन अगर आपको डाउनलोड करना हुआ तो आपको फिर मोर वॉच फेस पे टैप करना है और यहां पे आपको मिलेंगे
160 प्लस वॉच फेसेस। आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है उस पर आपको टैप करना है। तो मैं ऐसा एक वॉच फेस डाउनलोड करना चाहता हूं जिसमें बैटरी परसेंट भी शो करे। तो ये रहा वो वॉच फेस जिसमें बैटरी परसेंट भी शो कर रहा है। तो मैं इस पर टैप करूंगा और करूंगा डाउनलोड पे टैप। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। और जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो इस वॉच पे। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी हुई तो आप वो भी कर सकते हो। आपको वॉच फेस 4 के सामने जो लिखा है एडिट, उस पर टैप करना है। सिलेक्ट पिक्चर पर टैप कीजिए। जो भी फोटो आपको सेट करनी है उस फोटो को आपको ओपन करना है, टैप करना है। जैसे कि मैं चाहता हूं इस फोटो को सेट करना, तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम जो है आपको कहां पे शो करना है, ऊपर या नीचे? तो ये रहा टाइम पोजिशन। मैं चाहता हूं बिलो, तो नीचे टाइम जो है शो करेगा। इसके अलावा अबाउट टाइम, मतलब कि टाइम के ऊपर आपको क्या शो करना है, तो मैं चाहता हूं टाइम के ऊपर स्टेप शो करें, या टाइम के नीचे मैं चाहता हूं डेट शो करें। तो इस तरीके से टाइम के ऊपर नीचे आप डेट, स्लीप, हार्ट रेट या स्टेप्स में से कोई भी दो चीजें शो कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका वॉच फेस शो करेगा। और जो फॉन्ट का कलर है, आपको कौन सा रखना है, आप जो कलर है उसे भी चेंज कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं ये कलर, तो मैं करूंगा अब सेव पे टैप। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे, आप देख सकते हो यहां पे। फिर है नोटिफिकेशंस, तो आपको इस पे टैप करना है। फोन के लिए ऑन कीजिए, परमिशन को अलाउ कीजिए। इसके बाद मैसेज को भी ऑन कीजिए, एसएमएस अगर आपको देखना हुआ तो। और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ऐसे ऐप्स है जिन किसी ऐप्स की आपको नोटिफिकेशन देखनी हुई आपकी वॉच में, आपको उन ऐप्स को यहां पे ऑन करना है। तो मैं चाहता हूं ट्विटर, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इनेबल। और जो दाफिट है उसे करना है आपको इनेबल, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। इसके अलावा व्हाट्सएप, और मैं चाहता हूं इंस्टाग्राम। तो आपको जिन किसी ऐप्स की नोटिफिकेशंस देखनी हुई आपकी वॉच में, आपको उन्हें ऑन करना है। अगर आपको सभी ऐप्स की नोटिफिकेशंस ऑन करनी है तो आपको अदर्स को ऑन करना है। अदर्स को ऑन करोगे मतलब आपके फोन में जितने भी ऐप्स होंगे उन सभी ऐप्स की नोटिफिकेशंस आप देख पाओगे अपनी वॉच में। लेकिन आप जितने ऐप्स को ऑन करोगे उतनी ज्यादा बैटरी ड्रेन होगी, इसलिए जो काम के आपको उन्हीं को ऑन करना है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो ये है कॉल का प्रीव्यू। वॉच जो है वाइब्रेट कर रही है। कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। कॉल को आप कट कर सकते हैं यहां से। और ये है म्यूट करने का ऑप्शन। म्यूट होगा वॉच से, जो रिंग बज रही है वो म्यूट नहीं होगी। तो आप देखोगे कॉल यहां से म्यूट हो चुका है, लेकिन यहां से नहीं हुआ। तो आपको म्यूट करने के लिए फोन का यूज करना पड़ेगा। वॉल्यूम बटन पे प्रेस करके आप अपने कॉल को म्यूट कर सकते हो। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो एसएमएस रिसीव हो चुका है, इसमें भी रिसीव हो चुका है, लेकिन डिस्प्ले इसका ऑन हुआ नहीं है, हालांकि वाइब्रेट की है वॉच। तो आपको देखना है तो प्रेस कीजिए, इसे ऑन कीजिए। ये रहा वो मैसेज। हिंदी फोन सपोर्ट करते हैं लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते। और अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो फिर आपको स्वाइप अप करना है। और ये है नोटिफिकेशन सेंटर, आप अपने मैसेज यहां पे रीड कर सकते हो। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है, हालांकि इसका डिस्प्ले ऑन हुआ नहीं है। मतलब कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो इसमें डिस्प्ले ऑन होता नहीं है, केवल वाइब्रेशन होता है। तो आपको देखना पड़ेगा मैन्युअली डिस्प्ले को ऑन करके। ये है वो मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज जो आपने रिसीव किया है। आप स्वाइप अप करके उसे रीड कर सकते हो। अगर आपने यहां पर देखना मिस कर दिया तो फिर आपको स्वाइप अप करना है। और ये है वो मैसेज, आप टैप करके उसे रीड कर सकते हो। यहां पे आप एक साथ यहां पे 10 से 12 लाइन रीड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सभी को क्लियर करना हो एक साथ, तो नीचे आपको मिलेगा क्लियर ऑल का ये ऑप्शन। आप इस पर टैप करके सभी को डिलीट कर सकते हो। और आप एक साथ यहां पे अपने पिछले 8 मैसेज को रीड कर सकते हो। फिर है अलार्म्स, तो आप एक साथ यहां पे 3 अलार्म्स को ऐड कर सकते हो। जो भी अलार्म्स आप ऐड करोगे आप अपनी वॉच में भी उन्हें देख पाओगे। और जब भी इस अलार्म का टाइम आएगा आपको मिलेगा उस अलार्म का रिमाइंडर वाइब्रेशन के साथ आपकी वॉच पे। तो आपको टैप करना है टाइम पे, टाइम सेट कीजिए। इसके बाद आपको
डे सेट करना है, यह है आवर, मिनट, और कीजिए सेव। इस तरीके से आप अलार्म को सेट कर सकते हो और यहां से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। फिर है शटर, तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपकी वॉच में ऑन होगा शटर बटन और आप फिर उस पर टैप करके या शेक करके अपने फोन से फोटो कैप्चर कर सकते हो। आपको टैप करना है व्हाइल यूजिंग द ऐप, तो आपको क्लिक करना है इसे, 3 सेकंड का टाइमर और फोटो कैप्चर हो जाएगी। या आप अपनी वॉच को शेक करके भी फोटो कैप्चर कर सकते हो। आप फ्लैश को यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो और कैमरा को यहां से रोटेट कर सकते हो। फिर है अदर्स, मतलब की सेटिंग्स। इसमें सबसे पहले है फाइंड डिवाइस, आप इसके जरिए अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपकी वॉच कहीं पे पड़ी हुई है पास में लेकिन आपको मिल नहीं रही है, तो अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट 3 बार इस तरीके से। तो वाइब्रेशन का साउंड सुन के और डिस्प्ले की लाइट देखकर आप ढूंढ सकते हो अपनी वॉच को। यह फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। फिर है टाइम फॉर्मेट, तो आपको मिलेंगे यहां पे 2 टाइम फॉर्मेट, 12 आवर और 24 आवर। तो आपको जो टाइम फॉर्मेट सेट करना है आपकी वॉच पे, उस टाइम फॉर्मेट को आपको सेट करना है, तो उस टाइम फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको टाइम शो करेगा। फिर है यूनिट सिस्टम, इसमें आपको मिलेंगे 2 ऑप्शंस, मेट्रिक और इंपीरियल। मेट्रिक मतलब अगर आप जो भी डिस्टेंस कवर करोगे तो वो मीटर या किलोमीटर में शो करेगा, और इंपीरियल मतलब आपका डिस्टेंस माइल्स या फीट में शो करेगा। तो हम करेंगे मेट्रिक, डन। फिर है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी और कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। आपको टाइम सेट करना पड़ता है, जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। फिर है रिमाइंडर्स टू मूव, मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर। तो अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो, आपने 1 घंटे के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं की, आप चले नहीं, उठे नहीं, तो ऐसे में आपको आएगा अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। सुबह के 10 से लेकर रात के 10 बजे तक ये अलर्ट आएगा आपको हर घंटे, अगर आप हर घंटे कोई भी एक्टिविटी नहीं करते तो। फिर है कंटिन्यूस हार्ट रेट डिटेक्शन, तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में हार्ट रेट अपने आप मेजर होता रहे, ऑटोमेटिक मेजर होता रहे, तो आपको इस पर टैप करके टाइमर सेट करना है। मान लो मैंने अगर किया 30 मिनट, तो हर आधे घंटे के बाद मेरी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। लेकिन इससे बैटरी ज्यादा यूज होती है, अगर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो आपको इसे क्लोज करना है। फिर आप जब चाहे तब मैन्युअली अपनी वॉच में हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है कंट्रोल फोन म्यूजिक, तो अगर आप अपनी वॉच से अपने फोन में जो भी म्यूजिक है उसे कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। हालांकि म्यूजिक आपकी वॉच में प्ले नहीं होगा, प्ले होगा आपके फोन में, लेकिन आप अपने वॉच से अपने फोन के म्यूजिक को कंट्रोल कर पाओगे। लैंग्वेज आपको इंग्लिश रखनी है। ऑटो लॉक मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट, मतलब स्क्रीन कितने समय के लिए ऑन रहना चाहिए, तो यहां पे है मिनिमम 5 सेकंड्स, मैक्सिमम 30 सेकंड। मान लो मैंने किया है 15 सेकंड, मतलब कि जो आप डिस्प्ले है ये 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, 15 सेकंड के लिए, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो आपको जितने टाइम के लिए इसे ऑन रखना है उतने टाइम के लिए आप ऑन रख सकते हो, 30 सेकंड तक। हालांकि जितने ज्यादा आप रखोगे उतनी ज्यादा बैटरी यूज होगी, तो अगर आपको बैटरी सेव करना है तो आप 10 सेकंड या 15 सेकंड तक सेट कर सकते हो। फिर है रिसेट, तो अगर आपको इस ऐप में जो भी डेटा है या वॉच में जो भी डेटा है, दोनों में जो भी डेटा है, उसे इरेज करना हुआ तो आप रिसेट कर सकते हो यहां से। आगे है क्विक व्यू, मतलब कि रेस्ट टू वेक। जब भी आपके वॉच में डिस्प्ले ऑफ होगा और अगर आपको इसे ऑन करना हुआ तो बस आपको ऊपर उठाकर इसे टिल्ट करना है, इस तरीके से डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। इसे कहते हैं क्विक व्यू। तो जब भी आप अपनी हथेली को हिलाओगे ऊपर की ओर, इस तरीके से डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा यूज करना है तो इसे ऑन कीजिए, और आप टाइम के हिसाब से भी इसे यूज कर सकते हो। आप जो टाइम यहां पे सेट करोगे उसी टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। फिर है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, तो आप पानी पीने का जो रिमाइंडर है उसे भी सेट कर सकते हो अपनी वॉच में, तो आपको इसे ऑन करना है। स्टार्ट टाइम मतलब सुबह में कितने बजे से आपको स्टार्ट करना है पानी पीना, तो मैं करूंगा सुबह के 9 बजे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिंक वाटर, कितने बार आपको पानी पीना है, तो मैं चाहता हूं 6 बार पानी पीना दिन में, और हर कितने घंटे के बाद आपको पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए, तो मैं चाहता हूं हर 2 घंटे के बाद, तो मैं करूंगा 120 मिनट। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, तो अब हर 2 घंटे के बाद मुझे पानी पीने का रिमाइंडर आएगा मेरी वॉच में। फिर है हार्ट रेट वार्निंग, तो इसका मतलब क्या होता है, मान लो आपने अपर लिमिट को सेट किया है 150, ठीक है, तो मतलब कि अगर मेरा हार्ट रेट कभी भी 150 या उसके ऊपर जाता है
तो मुझे आएगा हार्ट रेट वार्निंग मेरी वॉच में। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है, और जो भी लिमिट आप सेट करना चाहते हो उस लिमिट को आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर है वेदर, तो अगर आपको वेदर इंफॉर्मेशन देखना हुआ आपकी वॉच में तो आपको इसे ऑन करना है। टेम्परेचर सिस्टम आपको सेल्सियस रखना है। सिटी आपको अपनी सर्च करनी है, या आप अपना जो पिन कोड है उसे भी सर्च कर सकते हो। तो जो मैंने सिटी ऐड की है उसका वेदर मुझे शो करेगा मेरी वॉच में। फिर है फीमेल लोगों के लिए फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर, मतलब कि पीरियड ट्रैकर, तो आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद साइकिल डे कितना होता है, तो नॉर्मली ये होता है 28 या 29 डेज का, तो आपको अपने हिसाब से सेट करना है। मेंस्ट्रुअल डेज, कितने दिन के लिए आपको पीरियड के दौरान पेन रहता है, 4 या 5 दिन आपके हिसाब से सेट कीजिए। इसके बाद लास्ट टाइम आपको कब आया था पीरियड, वो जो डेट है आपको सेट करनी है। इसके बाद रिमाइंडर मोड, तो आपको चाहिए मेंस्ट्रुअल रिमाइंडर, इसे ऑन कीजिए, बैक जाइए। फिर है रिमाइंडर टाइम, मतलब कि नेक्स्ट टाइम अब जब भी आपको पीरियड आने वाला होगा तो आपको सुबह में कितने बजे चाहिए रिमाइंडर, तो आप जो टाइम है उससे सेट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ सुबह में 7 बजे शो करे, तो डन करूंगा। और यहाँ पे फिर आप अपना जो कैलेंडर है साइकिल कैलेंडर चेक कर सकते हो, और जो मंथ है उसे भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। बैक जाओगे तो लास्ट में है अपग्रेड का ऑप्शन, तो इस वॉच के लिए अगर अपडेट अवेलेबल है तो यहाँ पे शो करेगा, अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की, तो आपको इस पर टैप करना है। सबसे पहले प्रोफाइल, तो इस पर टैप करके आप अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट, स्टेप लेंथ, मतलब कि कदमों की लंबाई यहां से चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। फिर एक गोल, तो रोजाना आपको कितने स्टेप चलना है, मैं चाहता हूं रोजाना 6000 स्टेप्स, तो मैं करूंगा अपने हिसाब से। फिर बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोडक्शन गाइड, तो उसके लिए आपको करनी है 2 चीजें। तो सबसे पहले आपको इसे करना है रिसेंट एप्स में ओपन, और इसे करिए लॉक दिस ऐप, लॉक का आइकन आएगा, मतलब कि जो ऐप है लॉक हो चुका है बैकग्राउंड में। इसके अलावा आपको जाना है ऐप इन्फो में, फिर जाइए बैटरी में, और ये जो है पहला ऑप्शन अनरेस्ट्रिक्टेड, आपको इसे करना है सिलेक्ट। ये 2 चीजें आपको करनी है। इससे क्या होता है, इससे जो ऐप होगा बैकग्राउंड में काफी अच्छे से वर्क करेगा, बार बार आपकी वॉच इस ऐप के साथ डिस्कनेक्ट नहीं होगी, और जो आपका डेटा होगा रियल टाइम में सिंक होता रहेगा। फिर है गूगल फिट के साथ सिंक करने का ऑप्शन, तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आप इस ऐप के साथ अपने डेटा को सिंक कर सकते हो, मतलब कि इस ऐप में जो भी आपका डेटा है जैसे कि स्टेप्स, डिस्टेंस, किलो कैलोरी, आपका SPO2, हार्ट रेट, सब कुछ सिंक हो जाएगा इस ऐप में भी, तो आप इस ऐप में भी अपने डेटा को चेक कर पाओगे। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आपको करना है कनेक्ट, और फिर गूगल फिट ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद सेम अकाउंट से लॉग इन करिए, तो आपको गूगल फिट में भी आपका डेटा शो करेगा। अब बात करते हैं होम पेज की, तो होम पेज पे आपको मिलेगा आपका एक्टिविटी और वाइटल्स डेटा, ये है स्टेप्स, तो इस पर टैप कीजिए। ये है आज के स्टेप्स, आज आप कितने स्टेप्स चले हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी आपने बर्न की है, और कितने मिनट के लिए आप एक्टिव थे आज। स्लाइड करके आप चेक कर सकते हो कि कितने बजे आपने कितने स्टेप्स चले थे। ये है डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। अगर आपको किसी भी दिन का डेटा चेक करना हुआ तो आपको कैलेंडर के आइकन पर टैप करके उस दिन पे टैप करना है, उस दिन का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा इस तरीके से। फिर है स्लीप डेटा, तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होगा, टैप कीजिए। तो आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग 4 स्टेजेस, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट और अवेक टाइम। रैपिड आई मूवमेंट को हम REM भी कहते हैं, इसका मतलब होता है जब आप सोते हो, सपने देखते हो, सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, तब आपकी आंखें मूव करती है यहां से वहां, उस टाइम को भी मेजर किया जाता है। अवेक टाइम का मतलब होता है जब आप सोने के दौरान बीच में जागते हो, तो उस टाइम को भी मेजर किया जाता है। तो आप कितने घंटे के लिए सोए टोटल, आपको कितने बजे नींद लगी, कितने बजे आप जागे, यहाँ पे टाइम शो करता है। ग्राफ पे स्लाइड करके आप चेक कर सकते हो ये कौन सी स्लीप है और कितने टाइम के लिए है। फिर आपका स्लीप रेशियो पाई चार्ट शो करता है, डीप स्लीप, लाइट स्लीप कितने टाइम के लिए है, आपका स्लीप क्वालिटी स्कोर कौन से जोन में है कितना है, और आपका एवरेज हार्ट रेट, सोने के दौरान आपका हाइस्ट कितना रहा था, लोएस्ट कितना रहा था, और लास्ट 7 डे का स्लीप रिकॉर्ड। ये है डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हो तो आपको इस आइकन पे टैप करना है, और आपको जिस दिन का रिकॉर्ड चेक करना है उस दिन पे आपको टैप करना है, उस दिन का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। आगे है हार्ट रेट डेटा, तो लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था, कितना आया था रिजल्ट, यहाँ पे शो करता है, टैप कीजिए। पिछले 7 टाइम का जो रिकॉर्ड है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कितने बजे आपने मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट, यहाँ पे चेक कर सकते हो। मेजर पे टैप करके आप अपनी वॉच में हार्ट रेट मेजरमेंट को स्टार्ट कर सकते हो और यहां से एंड भी कर सकते हो। इसके अलावा पहले से लेकर अब तक आपने
जितनी बार भी हार्ट रेट को मेजर किया है उसका डेटा अगर आपको चेक करना हुआ तो आपको इस पे टैप करना है, और ये रहा वो डेटा, कौन सी तारीख को कितने बजे आपने मेजर किया था, कितना आया था रिजल्ट, आप यहां पे चेक कर सकते हो डिटेल में। फिर है कंटिन्यूस हार्ट रेट डेटा, तो ये है ऑटोमेटिक वाला, अगर आपने सेट किया होगा तो उसका अलग से यहां पे शो करेगा, और ये है मैनुअली, जब आप मैनुअली मेजर करते हो उसका अलग शो करता है, और ये ऑटोमेटिक का अलग शो करता है। तो ऑटोमेटिक में लास्ट टाइम कब मेजर हुआ था, कितना आया था, यहां पे शो करता है। ग्राफ पे स्लाइड करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे कितना रहा था आपका हार्ट रेट, कितने टाइम के लिए कौन से जोन में था, यहां पे शो करता है। डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज आप चेक कर सकते हो, और किसी भी डे पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है बीपी, मतलब कि ब्लड प्रेशर। इसमें होती है दो वैल्यू, एक होती है एसबीपी, एक होती है डीबीपी। एसबीपी मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डीबीपी मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो पहली होती है वैल्यू, नॉर्मली ये 90 से 140 के बीच में होनी चाहिए, और जो अगली होती है वो 60 से 90 के बीच में होनी चाहिए। तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो आपने अगर मेजर किया होगा लास्ट टाइम तो कब मेजर किया था, कितना आया था, यहां पे शो करता है, टैप कीजिए। तो ये है लास्ट टाइम का डेटा, और लास्ट 7 टाइम जो आपने मेजर किया था तो कितने बजे मेजर किया था और कितना आया था आपका रिजल्ट, यहां पे शो करता है। आप मेजर पे टैप करके आप अपनी वॉच में ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जानना हुआ पहले से लेकर अब तक आपने कितनी बार बीपी को मेजर किया है तो आपको इस पे टैप करना है, और ये है वो डेटा, कौन सी तारीख को कितने बजे आपने मेजर किया था, कितना आया था रिजल्ट, आप यहां पे चेक कर सकते हो। फिर है ब्लड ऑक्सीजन, मतलब कि SpO2। नॉर्मली 95 या उसके ऊपर होना चाहिए। तो आपने अगर मेजर किया होगा तो लास्ट टाइम कब मेजर किया था, कितना आया था रिजल्ट, यहां पे शो करता है। और लास्ट 7 टाइम आपने जो मेजर किया था तो उसका रिजल्ट कितना आया था, कितने बजे आपने मेजर किया था, यहां पे टैप करके आप चेक कर सकते हो। और मेजर पे टैप करके आप अपनी वॉच में स्टार्ट कर सकते हो SpO2 मेजरमेंट। अगर आपको जानना हुआ पहले से लेकर अब तक आपने कितनी बार मेजर किया है SpO2 को तो आपको इस आइकन पे टैप करना है। ये रहा वो डेटा, कौन सी तारीख को कितने बजे आपने मेजर किया है, कितना आया है रिजल्ट, आप यहां पे चेक कर सकते हो डिटेल में। फिर है आउटडोर रनिंग, मतलब कि आप अगर अपने फोन के GPS का यूज करके रनिंग करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। आपको अपने फोन को साथ में लेकर रनिंग करना पड़ेगा ताकि आपका जो लाइव रूट है वो भी रिकॉर्ड हो। आपको करना है अलाउ ऑल द टाइम, बैक जाइए, तो आप लाइव रूट के साथ वर्कआउट कर सकते हो। कौन से रूट पे आप रनिंग कर रहे हो वो रूट भी आपको शो करेगा रियल टाइम में। स्टार्ट कीजिए, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना टाइम हुआ है, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है, कितना पेस है, पेस मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा, कितने स्टेप्स आप चले हो टोटल। अगर आपको देखना हो आपका लाइव रूट तो आपको मैप पे टैप करना है। ये रहा आपका लाइव रूट, बैक जाने के लिए नॉर्मल पे टैप कीजिए, पॉज करने के लिए लॉन्ग टैप कीजिए, ये हो चुका है पॉज, रिज्यूम कीजिए, और एंड करने के लिए आपको करना है स्टॉप। और ये है आपके वर्कआउट जो आपने किए हैं आपकी वॉच में, रनिंग वॉकिंग दो ही वर्कआउट यहां पे शो करेंगे। लेकिन अगर आपको सभी वर्कआउट को चेक करना हुआ, आपने जितनी बार भी वर्कआउट किया आपकी वॉच में सभी को देखना हुआ एक साथ, तो आपको नीचे लुक मोर ट्रेनिंग डेटा पे टैप करना है। ये है सारे वर्कआउट जो आपने किए हैं आपकी वॉच में। अगर आपको किसी का डेटा चेक करना हो डिटेल में तो आपको उस पर टैप करना है। ये कौन सा वर्कआउट है, कौन सी तारीख को कितने बजे आपने किया था, ये है आपका एवरेज हार्ट रेट। आप ग्राफ पे स्लाइड करके चेक कर सकते हो टाइम के हिसाब से आपका हार्ट रेट कैसे चेंज हुआ था, कितने टाइम के लिए आपने किया था ये वर्कआउट, कितने स्टेप्स आप चले थे, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया था, किलो कैलोरी कितनी एनर्जी बर्न की थी, स्पीड आपकी कितनी थी, स्पीड मतलब 1 घंटे में आपने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था या करोगे, पेस आपकी कितनी थी, एवरेज बीपीएम आपका कितना था, आपका हार्ट रेट कौन से जोन में कितने टाइम के लिए था, यहां पे शो करता है। दोस्तों ये थे वो फीचर्स और सेटिंग्स जो आपको देखने मिलते हैं इस ऐप में। अब हम देखेंगे आपको वॉच में कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स देखने मिलते हैं। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है 3 फंक्शंस, तो आप इस पे प्रेस करके डिस्प्ले को ऑन या ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो वहां से अगर आपको बैक जाना हुआ स्टेप बाय स्टेप तो आप इस पे प्रेस करके बैक जा सकते हो स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को स्विच ऑफ कर सकते हो। आपको टिक पे टैप करना है, लॉन्ग प्रेस करिए बटन पे और फिर आपको करना है टिक पे टैप, जो वॉच होगी स्विच ऑफ हो जाएगी। बैक करने का और एक तरीका है, तो अगर आपको बैक करना हुआ तो आपको ऐसे स्वाइप करना है राइट में इस तरीके से बैक करने के लिए।
होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, डेट कितनी है, बैटरी लेवल ग्राफिक वाइज शो करता है, हालांकि कितने परसेंट बैटरी बाकी है यहां पे शो नहीं करता, ऐप में शो कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि एक ऐसा वॉच फेस हम सेट करेंगे जिसमें बैटरी परसेंट शो करे, इसलिए मैंने एक ऐसा वॉच फेस सेट किया था जिसमें बैटरी परसेंट शो कर रहा है। तो आप भी ऐसा ही करना ताकि आपको बैटरी परसेंट पता चले। तो वॉच फेस को चेंज करने के लिए आपको लॉन्ग टैप करना है वॉच पे, और फिर ऐसे स्वाइप करके आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, और जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए और वो सेट हो जाएगा। सबसे पहला जो आइकन है वो है कनेक्शन स्टेटस का, मतलब कि अगर ये ब्लू में है मतलब कि आपकी वॉच कनेक्टेड है आपके फोन के साथ, अगर ये ग्रे में है मतलब कि आपकी वॉच कनेक्टेड नहीं है। फिर अगला है वाइब्रेशन को ऑन ऑफ करने का फीचर, तो आप वन टैप में वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो। ब्लू में है मतलब कि वाइब्रेशन ऑन है, मतलब कि आपकी वॉच में वाइब्रेशन काम करेगा जब भी कोई कॉल आएगा या रिमाइंडर आएगा तब। फिर ब्राइटनेस को आप स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से, टॉर्च का ऑप्शन है आप यहां से इस तरीके से इसे ऑन कर सकते हो। फिर है थिएटर मोड, थिएटर मोड मतलब दो चीजें होंगी, एक तो वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा और जो ब्राइटनेस होगी काफी कम हो जाएगी। तो आप देखोगे, आप देख पा रहे हो वाइब्रेशन ऑफ हो चुका है और ब्राइटनेस भी लोवेस्ट लेवल पे सेट हो चुकी है। यह है वेदर इंफॉर्मेशन, अभी फिलहाल कितना चल रहा है, टैप करोगे तो आपको मिलेगा यहां पे उसका डेटा अभी फिलहाल कितना है, आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहेगा, और अगले 6 दिन का आपको शो करेगा मैक्सिमम मिनिमम वेदर फोरकास्ट, और वेदर कैसा रहेगा, सनी क्लाउडी या रेनी, आपको उसका आइकन भी शो करेगा। और फिर लास्ट में सेटिंग्स, तो इस पर टैप कीजिए। सबसे पहले है मेनू व्यू, तो अभी फिलहाल सेट किया गया है लिस्ट व्यू में, लिस्ट का मतलब होता है, तो ये है मेन मेनू, आपको ऐसे स्वाइप करना है होम पेज पे, ये रहा मेन मेनू, तो ये है लिस्ट व्यू में। तो अगर आपको इसे चेंज करना हुआ तो आप इसे चेंज कर सकते हो ग्रिड व्यू में, तो अभी जो मेन मेनू है इस तरीके से शो करेगा, आप देख सकते हो ग्रिड में, और आपको जिसे ऑन करना है या ओपन करना है उस पर टैप करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद है ब्राइटनेस, तो आप यहां से ब्राइटनेस को स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हो। वाइब्रेशन को आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो वन टैप में, थिएटर मोड को भी आप यहां से वन टैप में ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर है रिसेट करने का ऑप्शन, अगर आपको सारा डेटा क्लियर करना हुआ तो आप यहां से रिसेट कर सकते हो। स्विच ऑफ करने का भी ऑप्शन है, अबाउट मतलब आप अपनी वॉच का नेम, मैक एड्रेस, और यहां पे बैटरी लेवल चेक कर सकते हो। और बी का जो आइकन है ब्लू में है मतलब कि आपकी वॉच कनेक्टेड है आपके फोन के साथ, अगर ये ब्लू में नहीं है मतलब कि आपकी वॉच कनेक्टेड नहीं है। फिर है ऐप क्यूआर कोड, तो आप अपने फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो दाफिट ऐप की लिंक ओपन होगी प्ले स्टोर में, हालांकि हमने इसे डाउनलोड कर लिया है तो अब इसका काम नहीं है। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स और विजेट्स की, तो जैसे आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले स्टेप्स डेटा, आज आप कितने स्टेप्स चले हो, इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम, किलो कैलोरी एनर्जी कितनी बर्न की है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, लास्ट 24 आवर का रिकॉर्ड, और कौन से टाइम के दौरान आपने कितने स्टेप चले, यहां पे ग्राफ वाइज शो करता है। इसके बाद है स्लीप डेटा, तो आप कितने घंटे सोए थे, इसके अलावा लाइट स्लीप, डीप स्लीप कितने घंटे के लिए थी, और लास्ट 7 डे का जो रिकॉर्ड है आप यहां पे चेक कर सकते हो। इसके बाद है हार्ट रेट डेटा, तो आप यहां से हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो, आपका बीपीएम यहां पे शो करेगा। स्वाइप अप करोगे तो आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा है, कौन से जोन में है, लाइट है, वार्म है या एरोबिक, और लास्ट 24 आवर का रिकॉर्ड, ये जो लाइन आपको दिख रही है कौन से टाइम के दौरान आपने मेजर किया था यहां पे शो करता है। इसके अलावा इसके बाद है एक्सरसाइज, तो इसमें है 19 वर्कआउट मोड, जिसमें है वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्लाइंबिंग, टेनिस, रग्बी, गोल्फ, योगा, फिटनेस, डांसिंग, बेसबॉल, इलिप्टिकल, इंडोर साइकिलिंग, फ्री रनिंग, रोइंग मशीन। तो ये है 19 वर्कआउट मोड, अगर आपको इनमें से किसी को निकालना हुआ, ऐड करना हुआ, तो आप प्लस के साइन पर टैप कीजिए। फिर मान लो मुझे अब इसमें करना है क्रिकेट, तो मैं करूंगा बॉल स्पोर्ट्स में, और इसमें अगर होगा क्रिकेट तो मैं करूंगा क्रिकेट को ऐड, इसके अलावा करूंगा टेबल टेनिस, इसके अलावा वॉलीबॉल, ठीक है, मैंने 3 ऐड किए। अब आप देखोगे नए जो आपने ऐड किए यहां पे शो हो रहे हैं वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, लेकिन जो पुराने थे पहले से यहां पे नीचे वो यहां से रिमूव हो चुके हैं, मतलब कि जितने आप नए ऐड करोगे उतने पुराने नीचे से रिमूव होते जाएंगे। हालांकि आपको मिलेंगे 120 ऑप्शंस, लेकिन आप यहां पे एक साथ शो कर सकते हो केवल 19 वर्कआउट मोड। अगर आपको किसी को भी
स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस वर्कआउट मोड पे टैप करना है। जैसे कि मान लो मुझे करना है वॉकिंग, तो मैं टैप करूंगा तो यहां पे शो होता है सबसे पहले टाइमर, फिर आपने कितने स्टेप चले हैं, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है, आपका हार्ट रेट कितना चल रहा है, डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है और आपका हार्ट रेट कौन से जोन में है। इसके अलावा आप यहां से इसे पोस्ट कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो और इसे यहां से एंड भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपका ये वर्कआउट डेटा सेव हो जाए आपके ऐप में, तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए करना है वर्कआउट को। फिर इसके बाद है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है यहां पे मेजर होगा, दोनों वैल्यू यहां पे शो करेंगी एसबीपी डीबीपी, और आपका जो एसबीपी है मैक्सिमम कितना गया था, डीबीपी मैक्सिमम कितना गया था यहां पे शो करता है। और यहां पे लास्ट 7 टाइम का जो आपका मेजरमेंट है ये आप ग्राफ वाइज चेक कर सकते हो यहां पे। फिर इसके बाद है SpO2 ब्लड ऑक्सीजन, तो आप यहां से मेजर कर सकते हो, तो ये मेजर हो रहा है तो ये 95 है, उसके ऊपर होना चाहिए। स्वाइप अप करोगे तो आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा है यहां पे शो करता है, और लास्ट 7 टाइम आपने जो मेजर किया था उसका रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो ग्राफ वाइज। फिर इसके बाद है वेदर, जो हम देख चुके हैं। फिर है शटर, तो आप टैप करोगे तो आपके फोन में कैमरा ओपन होगा, फिर से टैप करोगे तो फोटो कैप्चर हो जाएगी। लेकिन ये फीचर तभी काम करेगा जब आपके फोन में दा फिट ऐप ओपन होगा। अब ऐप ओपन नहीं है, अगर आप ऐसे में प्रेस करोगे यहां पे तो कैमरा ओपन नहीं होगा, आपको दा फिट ऐप को ओपन करना पड़ेगा तभी कैमरा ओपन होगा। फिर इसके बाद है म्यूजिक कंट्रोल, तो टैप कीजिए प्ले पे, म्यूजिक प्ले होगा आपके फोन में। लेकिन अगर प्ले नहीं हो रहा है तो आपको अपने फोन में म्यूजिक प्लेयर को ओपन करना है, प्ले करना है किसी म्यूजिक को, पॉज कीजिए, इसके बाद प्ले करोगे तो प्ले होगा। नेक्स्ट, प्रीवियस। हालांकि इसमें वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है लेकिन सॉन्ग का टाइटल, नेक्स्ट, प्रीवियस और प्ले पॉज आप यहां पे कर सकते हो। अब बात करते हैं मेन मेनू की। जैसे आप स्वाइप राइट करोगे होम पेज पे तो आपको मिलेगा मेन मेनू। सबसे पहला है स्टेप्स, जो हम देख चुके हैं। इसके बाद स्लीप डेटा, HR मेजरमेंट, एक्सरसाइज, BP मेजरमेंट, SpO2, वेदर, शटर, प्लेयर, ये सब हम देख चुके हैं। इसके आगे है ब्रीदिंग वर्कआउट, तो आपको टैप करना है। जैसे सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से आपको सांस लेनी है छोड़नी है, तब आपको सांस लेनी है ब्रीदिंग मतलब, और ब्रीद आउट मतलब सांस छोड़नी है। इस तरीके से आपको 8 बार करना है, इसे कहते हैं गाइडेड ब्रीदिंग। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। फिर है स्टॉप वॉच, तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो स्टॉप वॉच को, 3 बार आप लैंप भी दे सकते हो। स्टॉप कीजिए, रिसेट कीजिए, बैक जाइए। फिर है अलार्म, तो जो भी अलार्म आपने सेट किए हैं आपके ऐप में यहां पे शो करेंगे, टाइम भी शो करेगा, आप यहां से उसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो। हालांकि यहां से अलार्म को क्रिएट नहीं कर सकते वाइब्रेशन के साथ आपकी वॉच में। फिर है काउंट डाउन मतलब कि टाइमर, तो यहां पे है 1, 3, 5, 10, 15, 30 मिनट के लिए, और बाद में मैक्सिमम है 2 घंटे तक का, तो आप मैक्सिमम 2 आवर तक का जो टाइमर है स्टार्ट कर सकते हो अपनी वॉच में। फ्लैशलाइट देख चुके हैं, गेम मिलेंगे आपको 2048, और इसके बाद है यंग बर्ड, और लास्ट में है सेटिंग्स, जो हम देख चुके हैं पहले ही। दोस्तों ये थे वो फीचर्स और सेटिंग्स जो आपको देखने मिलते हैं इस वॉच में, और ये था फायरबोल्ट एपिक स्मार्ट वॉच का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।